जो कि है पावर वोल्ट 2.0 प्लस। अब इसके अंदर हमें 6000 लाइफ साइकिल मिलते हैं और 10 साल की वारंटी मिलती है, और जो इसकी डिजाइन लाइफ है वो है 60 ईयर प्लस, यानी 60 साल तक आप निश्चिंत हो जाइए, आपको एक भी रुपया नहीं लगाना। अब देखिए 5 किलोवाट की बैटरी आपके सामने 5.5 किलोवाट का लोड डिलीवर कर रही है, यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, यानी कि 1C से भी ज्यादा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इन्वर्टर की ऐसी बैटरी जो कि लाइफ टाइम चलेगी, जिंदगी भर आपको बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है जी। आज दोस्तों मैं जहाँ पर हरियाणा करनाल में आया हूँ, जहाँ पर ये वाली बैटरी है जो कि सेलक्रॉन कंपनी के नाम से है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्यों इतने साल चलेगी, क्या इसके अंदर खास है। क्योंकि अक्सर ही जो हम अपने घर में बैटरी लगाते हैं इन्वर्टर के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 साल के बाद हमें चेंज करनी पड़ती है, लेकिन अगर ये वाली बैटरी आप एक बार लगा दोगे तो लाइफ टाइम आपको बैटरी बदलने की जरूरत नहीं है जी। इसकी जो पूरी डिटेल है वो हम जानेंगे जी इस कंपनी के जो CEO और फाउंडर है रविंदर जी से। तो रविंदर जी से हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जी। आइए सर। नमस्कार सेवक जी, आपका सेलकोनी के ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। ऐसा इसमें क्या आपने लगा दिया कि इतने साल ये बैटरी चलती है, व्यूवर है उनको बताएं। सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। सेलकोनिक ने यहाँ पर नई 6 बैटरीज को लॉन्च किया है, तो 1 by 1 मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बैटरीज को हमने लॉन्च किया है और उनमें आपको क्या क्या खास बातें मिलती हैं। अगर हम अपनी सबसे पहली बैटरी की बात करते हैं जो कि है रैक माउंटेड 1.0, ये बैटरी 100 AH और 24 वोल्ट के अंदर आती है। इस बैटरी में आपको 4200 लाइफ साइकिल मिलते हैं और इसकी 5 ईयर की आपको वारंटी मिलती है। अगर इसकी डिजाइन लाइफ की बात की जाए तो वो 40 ईयर प्लस है, यानी कि 40 साल तक आपको इस बैटरी को चेंज करने की जरूरत नहीं है और ना ही इस बैटरी की कोई मेंटेनेंस है। जैसे कि आप अपनी लेड एसिड बैटरी में थोड़े थोड़े टाइम बाद पानी डालते रहते हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है और उससे तेजाब की स्मेल भी आती है, लेकिन ये है लिथियम आयरन फॉस्फेट जो सबसे दुनिया की सेफेस्ट बैटरी मानी जाती है और सबसे लंबी इस बैटरी की लाइफ होती है। अक्सर ही देखा जाता है जहाँ सुना जाता है कि ये वाली जो लिथियम बैटरी है इसको आग लग जाती है जी। ये बात पहले ही हम क्लियर कर लें क्योंकि कुछ जो व्यूअर हैं उनको मन में ये डाउट रहेगा जी। देखिए वो टेक्नोलॉजी होती है लिथियम आयन, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूटीज में आग लग गई है, कार में आग लग गई है, तो वो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट है, ठीक है, जो कि लिथियम से 10 गुना ज्यादा चलती है और सबसे सेफ होती है, ठीक है। तो अगर आप YouTube के ऊपर सर्च भी करेंगे लिथियम आयन वर्सेस लिथियम आयरन फॉस्फेट, तो उसमें सभी टेस्ट दिए गए हैं कि जैसे उसको शॉर्ट सर्किट किया गया है, उसको हाई टेम्परेचर दिया गया है, तो ये बैटरी किसी भी सूरत में ना जलती है ना फटती है, इसमें किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। तभी ये सबसे सुपर सेफ बैटरी मानी जाती है, ठीक है। और लिथियम आयन से ये महंगी भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट बैटरी, ठीक है। ये बैटरी है रैक माउंटेड 1.0 100 AH 48 वोल्ट, यानी कि जो 4 बैटरी का हमारा इन्वर्टर होता है उस पर हम इस बैटरी को लगाएंगे, ठीक है। तो इस बैटरी के भी हमें 4200 लाइफ साइकिल मिलते हैं और 5 साल की वारंटी मिलती है, और इस बैटरी का भी जो लाइफ स्पैन है वो 40 ईयर प्लस है, यानी 40 साल तक आप निश्चिंत हो जाइए, कोई भी आपको बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इससे जो नेक्स्ट हमारी बैटरी है वो है रैक माउंटेड 2.0 जो कि 1.0 का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। जैसे कि ये 2.0 है तो इसमें आपको मिल जाते हैं 4500 लाइफ साइकिल और 5 साल की वारंटी, और इसकी जो डिजाइन लाइफ है वो 42 ईयर प्लस है, यानी कि उससे ये ज्यादा चलने वाली है, ठीक है जी। और इसके अंदर क्या खास बात है, जैसे कि 1.0 के अंदर आपको 100 एम्पियर का ही जो है वो BMS मिलता है, तो ये 100 एम्पियर तक डिस्चार्ज दे सकती है, यानी कि 1C का चार्ज और 1C का डिस्चार्ज, लेकिन 2.0 के अंदर कंपनी ने 125 एम्पियर का जो है BMS वो लगाया है, अच्छा जी। यानी कि ये 1C का तो चार्ज ले सकती है और 1.25C का डिस्चार्ज दे सकती है, यानी कि 125 एम्पियर तक का ये डिस्चार्ज दे सकती है, यानी कि 5 किलोवाट की बैटरी 5.5 किलोवाट तक की पावर को लगातार डिलीवर कर सकती है, जो कि साबित करने के लिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है सबसे हाईएस्ट रेंज जो कि है रैक माउंटेड 2.0 प्लस। अब ये प्लस है तो इसके अंदर इससे खास बात भी प्लस है,
इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 6000 लाइफ साइकिल और 10 साल की वारंटी। बाकी इसके अंदर आपका 125 एम्पियर का वो BMS सेम रहेगा, और इसके अगर मैं डिजाइन लाइफ की बात करूं तो वो 60 ईयर प्लस है। ठीक है। उसके बाद जैसे ये चार मॉडल हमारे रैक माउंटेड थे, उसके बाद अब ये आ जाते हैं हमारी पावर वॉल। ये भी बैटरी है? जी, ये भी बैटरी है। और इस बैटरी और इस बैटरी में एक ही मेन डिफरेंस है कि इसको हम दीवार पर हैंग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये इन्वर्टर हैंग हुआ है और यही सेम बैटरी यहाँ पर भी देखिए आप। जी हाँ, यहाँ पर ये लगी हुई है। जैसे आपका LCD TV होता है उसको आप रख भी सकते हैं और उसको दीवार पर भी लगा सकते हैं। जब उसको दीवार पर लगाते हैं तो आपकी जो जगह है वो सेव हो जाती है और खूबसूरती भी ज्यादा आती है। सही है। इसका वेट कितना रहेगा एडजस्ट? इसका वेट रहता है आपका 45 kg। अच्छा, वेट भी काफी कम। हाँ, वेट भी काफी कम है क्योंकि लिथियम आयन काफी हल्के होते हैं, तो इसका वेट भी कम है। और अगर बैकअप की बात की जाए तो 150 AH की जो 6 बैटरीज होती है आपकी लेड एसिड, उसके बराबर इसका बैकअप है। 150 AH? हाँ, 150 AH की 6 बैटरी के बराबर इसका बैकअप है। और इसके ऊपर आप अगर फुल लोड डालेंगे तब भी आपको सेम ही बैकअप मिलेगा, अगर लोड कम डालेंगे तब भी सेम बैकअप मिलेगा। जैसे लेड एसिड बैटरी है उसके ऊपर जैसे आपने बोला कि अगर इसमें से हम 100 एम्पीयर लेते हैं, ठीक है जी, जैसे उसमें से हम ज्यादा एम्पीयर लेते हैं वो बहुत जल्दी डाउन हो जाती है और जो लोड है वो भी कम होता है उसका। जी, बाकी कम मिलते हैं। हाँ, इसमें ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लेड एसिड में क्या होता है, जो आपका स्टैंडर्ड माना जाता है वो माना जाता है 400 वोल्ट, यानी कि जैसे 400 वोल्ट पे 2.5 घंटे का बैकअप है। तो अगर आप उसकी वोल्टेज बढ़ा देते हैं, यानी कि उससे पावर ज्यादा निकालने लग जाते हैं, जैसे 800 वोल्ट या 1 kW का लोड बैटरी पर डाल देते हैं तो उसकी वोल्टेज एकदम से दब जाती है, तो बैटरी वही 5-10 मिनट के अंदर आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन इस बैटरी के ऊपर ऐसा नहीं है, आप जितना मर्जी इस पे लोड डालिए, 5 kW की बैटरी है तो पूरा 5 भी डालिए तब भी वही बैकअप मिलेगा, और अगर 400 वॉट 1 kW डालेंगे तब भी वही बैकअप मिलेगा, तो इसमें वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी जितना समय लोड चला उतना समय एक साल ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि वाटेज में कम मिलेगी? नहीं नहीं, ये लगातार ही उतना लोड उठाएगी, उतना ही मिलेगा। सही। और चाहे ये 20% बची हो, यानी अपनी आखिरी सांस तक ये पूरा का पूरा लोड उठाएगी, ऐसा नहीं है कि वोल्टेज कम हो गई तो अब लोड नहीं उठाएगी, तो जब तक 0% ये नहीं हो जाती तो ये फुल लोड उठाती रहेगी। ठीक है जी। अब ये है हमारी नेक्स्ट बैटरी जो कि है पावर वॉल 2.0। ये जो हमारी रैक माउंटेड है इसका बस एक दीवार पर लगाने वाला वर्जन है, यानी ये सेम है ये वाला। हाँ, इसके अंदर BMS सेल सब कुछ सेम है और इसके अंदर भी हमें 4500 लाइफ साइकिल मिलते हैं और 5 साल की वारंटी मिलती है, और इसकी भी जो डिजाइन लाइफ है वो 40 ईयर प्लस है। और उससे नेक्स्ट बैटरी जो हमारा सबसे हायर सेगमेंट है वो आ जाती है, जो कि है पावर वॉल 2.0 प्लस। अब इसके अंदर हमें 6000 लाइफ साइकिल मिलते हैं और 10 साल की वारंटी मिलती है, और जो इसकी डिजाइन लाइफ है वो है 60 ईयर प्लस, यानी 60 साल तक आप निश्चिंत हो जाइए, आपको एक भी रुपया नहीं लगाना और कोई भी इसकी मेंटेनेंस नहीं है, आपको जाकर भी नहीं देखना है कि कभी आपने बैटरी खरीदी थी। अब जैसे कि हम PD की बात करते हैं तो 20 या 22 साल में एक PD हमारी अगली आ जाती है, बिल्कुल, तो ये 3 PD तक आपकी बैटरी चलेगी। ठीक है। तो इसके बाद हम ये वाली जो बैटरी है ये किसी भी इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं या कोई इसके लिए खास इन्वर्टर बना होता है? देखिए, अगर आप इसको लोकल इन्वर्टर्स पर लगाते हैं तो फिर आपको इसको वोल्ट पर चलाना पड़ेगा, जैसे आप लेड एसिड बैटरीज चलाते हैं। लेकिन वोल्ट पर कोई भी लिथियम बैटरी है वो सही तरीके से वर्क नहीं करती है। अच्छा। जैसे जो मार्केट में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो काफी रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सबको की लिथियम बैटरी है लेड एसिड बैटरी की तरह ही उनको दे रहे हैं और इन्वर्टर वही पुराने हैं, तो वो इन्वर्टर चलते हैं वोल्टेज पर कि जैसे 42 पर लो कट कर दिया और 58 पर हाई कट कर दिया, तो लेकिन जो लिथियम बैटरी है जब लोड डालते हैं इसकी जो वोल्टेज है वो डाउन नहीं होती है, फिर आपके मोबाइल की तरह परसेंटेज डाउन होती चली जाती है, वोल्टेज इसकी ज्यादा डाउन नहीं होती है, तो इन्वर्टर उसको सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी दुनिया का जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो वो जर्मन हो चाहे चाइनीज हो चाहे फ्रेंच हो, कोई भी दुनिया के जो बड़े बड़े हाइब्रिड इन्वर्टर ब्रांड है ये सभी के साथ कंपेटेबल है, उन पे लगाइए और ये उसके साथ कम्युनिकेट करेगी, जैसे आपको मोबाइल चलता है 0 to 100% उस हिसाब से ये पूरा डाउन होगी। आप बोल सकते हैं कि 20% पर ये शट डाउन हो जाए तो पूरे 20% पर शट डाउन हो जाएगी, और आप बोलते हैं कि 100% पर फील हो तो 100% पर फील हो जाएगी,
और जैसे हमारे इन्वर्टर्स में आता है कि यहाँ पर दो लोड होते हैं हमारे इन्वर्टर्स में, एक नॉर्मल लोड एक हैवी लोड। अब हैवी लोड से आप अपने जोड़ते हैं एयर कंडीशन और ये गीजर वगैरह, तो जैसे ही आपने डाल दिया कि 70% पर मेरे जो हैवी लोड है वो बंद हो जाए, तो इन्वर्टर को पता है परसेंटेज के हिसाब से, तो जैसे ही बैटरी 70% आती है तो जो आपका हैवी लोड है वो सारा बंद हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपका नॉर्मल लोड चलता रहता है। तो जब कम्युनिकेशन करती हैं तभी वो चीजें सभी बिल्कुल करेक्ट वर्क करती हैं। सर अगर इसमें हम बात करें, आपने जैसा बोला कम्युनिकेशन है ना जी, आम बैटरी में तो नेगेटिव और पॉजिटिव जी ये दो वायर ही होती है, लेकिन इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए क्या अलग से क्या लगाया है इसमें? देखिए इसमें एक यहाँ पर कैन पोर्ट दिया गया है। अच्छा, कैन पोर्ट अभी के टाइम में सबसे लेटेस्ट कम्युनिकेशन का एक जरिया है। अच्छा जी, जितने भी हाई क्लास के ब्रांडेड इन्वर्टर्स आते हैं वो सभी कैन पोर्ट के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, उससे पहले जो पोर्ट आया करता था वो था RS-485, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता था, लेकिन फिर से टेक्नोलॉजी अपडेट हुई और उसके बाद कैन पोर्ट आ गया था। तो कैन पोर्ट के थ्रू ही हम जैसे इन बैटरी के अंदर कैन पोर्ट दे रखा है, ऐसे ही इन्वर्टर के अंदर भी आपको कैन पोर्ट मिलेगा। तो इन दोनों में जो आपकी नॉर्मल लैन केबल होती है कंप्यूटर वाली, वो आप लगा दें तो इन्वर्टर और बैटरी आपस में कम्युनिकेट करेंगे और दोनों का डाटा आपस में शेयर हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण हमें पता चलेगा कि अभी कितने परसेंट बैटरी है बाकी है या जो भी आपने उसका बोला। टेम्परेचर से लेकर हर चीज इन्वर्टर रीड करेगा। ओके ओके ओके, बैटरी में क्या चल रहा है वो इन्वर्टर को पूरा पता चलता रहेगा। अब ये कम्युनिकेशन मार्केट में कहीं किसी और ब्रांड में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की बैटरी कम्युनिकेट ही नहीं करती है, और इन सभी बैटरी के अंदर हमने यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स डाले हैं। तो जिस मर्जी हाइब्रिड ब्रांड के साथ जो मतलब बड़े बड़े ब्रांड हैं उन हाइब्रिड इन्वर्टर ब्रांड के साथ आप इस बैटरी को लगाइए, ये कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। तो जैसे ये 24 वोल्ट से शुरू होती है, इससे 12 वोल्ट वाली नहीं आती है? नहीं नहीं नहीं, ये 12 वोल्ट नहीं आती है, क्योंकि जो हमारे इन्वर्टर स्टार्ट होते हैं हाइब्रिड वो 24 वोल्ट से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो बैटरी भी 24 वोल्ट से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये जो सभी बैटरीज होती हैं इनको बोला जाता है लो वोल्टेज बैटरी, क्योंकि लो वोल्टेज बैटरी की कैटेगरी में आपकी 48 वोल्ट से लेके 51.2 वोल्ट तक ही आती हैं। उससे ऊपर अगर जो बैटरीज आती हैं वो हाई वोल्टेज इन्वर्टर के साथ लगती हैं, वो आपकी 800 वोल्ट तक बैटरीज जाती हैं, ठीक है। यानी इसको हम ज्यादातर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर ही लगा सकते हैं जी, जिसके अंदर ये कम्युनिकेशन वगैरह पूरा प्रॉपर हो जी, क्योंकि अब जैसे टाइम चेंज हो गया है तो अब लेड एसिड की जगह लोग लिथियम आयन बैटरी को ही काफी प्रेफर कर रहे हैं, और जो इन्वर्टर्स आप ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर देखते हैं काफी कंपनीज के सस्ते सस्ते इन्वर्टर आते हैं, लेकिन वो कुछ लोड वगैरह नहीं उठा पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ना ही उनके अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है, तो अब उसका भी ट्रेंड चेंज हो गया है, लोग हाइब्रिड इन्वर्टर्स वो भी ब्रांडेड खरीदने लग गए हैं और उनके साथ फिर ये बैटरीज भी ब्रांडेड ले लेते हैं, जिससे कि 5 साल वारंटी तो इन्वर्टर की मिलती है और उसकी डिजाइन लाइफ 25 ईयर होती है, और ये बैटरी भी ब्रांडेड है, 5 साल इसकी वारंटी मिलती है, 5 से 10, और इसकी लाइफ 40 ईयर प्लस होती है। यानी कि जैसे आपने सोलर लगा लिया मेंटेनेंस फ्री, इन्वर्टर लगा लिया मेंटेनेंस फ्री, अब बैटरी भी लगा ली मेंटेनेंस फ्री, यानी कि पूरा सोलर सिस्टम मेंटेनेंस फ्री, बस लगाइए और भूल जाइए। सही है। तो इसके अंदर ये वाली जो डिस्प्ले मैं देख रहा हूँ सभी के अंदर है? इसमें देखिए ये सेलक्रोनिक की खास बात है, क्योंकि मार्केट में जो अदर बैटरीज मिलती हैं उनके अंदर आपको कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलती है। अच्छा जी। जब डिस्प्ले नहीं मिलती है तो आप पूरी तरीके से मान लीजिए कि अंधे हो जाते हैं। अब बैटरी बंद हो गई तो किस वजह से बंद हुई हो गई, कि ये ओवर टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, ओवर वोल्ट हो गई, अंडर वोल्ट हो गई, करंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, या हुआ क्या है बैटरी के साथ। और दूसरा, आप बैटरी बिना मीटर के कुछ चीज देख नहीं पाएंगे कि कितनी इसके अंदर वोल्ट बची है, क्या एम्पियर निकल रहे हैं, क्या सिस्टम है। तो डिस्प्ले होने की वजह से आप वो सभी की सभी पैरामीटर इस पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अच्छा जी। आपके सामने बिल्कुल क्लियर रहता है, ठीक है। दूसरा, इसकी स्क्रीन पर आप इसके लाइफ साइकिल देख सकते हैं कि कितनी बार आप बैटरी को यूज कर चुके हैं, क्योंकि अब जैसे कंपनी आपको वारंटी दे रही है 4200 लाइफ साइकिल, 4500 लाइफ साइकिल, 6000 लाइफ साइकिल, तो अब एज अ कस्टमर आपको क्या पता कि कितने लाइफ साइकिल हो चुके हैं। तो जब स्क्रीन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हाँ मैंने हफ्ते में इतने साइकिल यूज कर लिए, महीने में इतने यूज कर लिए, 1 ईयर में इतने यूज कर लिए, तो बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर है कंपनी के हिसाब से भी और कस्टमर के हिसाब से भी, दोनों को बिल्कुल क्लियर है कि हाँ मेरे इतने लाइफ साइकिल हो चुके हैं। एक साल में कितने साइकिल निकल जाते हैं इसके?
इसके देखिए पूरा साल हम बैटरी का एक तरीके से यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब सर्दी में देखिएगा आपके आपके सिर्फ लाइट पंखे ही, मतलब सर्दी में सिर्फ लाइट्स जलती हैं, तो कोई फैन नहीं होता, कूलर नहीं होता, एयर कंडीशन नहीं होता, तो उस टाइम आपकी बैटरी के जो लाइफ साइकिल है बहुत कम यूज होते हैं, ठीक है जी। और एक बीच का टाइम आता है कि उस टाइम आपका फिर भी कुछ ज्यादा सामान नहीं चलता है, उस टाइम भी कम यूज होते हैं। सबसे ज्यादा जो बैटरी का यूज होता है वो गर्मी में होता है, अच्छा, क्योंकि गर्मी में लाइट का कट है वो बहुत ज्यादा लगता है, और जो आपके ये एयर कंडीशन हैं ये भी गर्मी में ही चलते हैं। तो जब पूरे ओवरऑल पूरे साल की जो लाइफ साइकिल निकाले जाते हैं वो 100 आते हैं। अच्छा, एवरेज। हाँ, एवरेज 100 साइकिल ही निकलते हैं, ठीक है। तो अब आप लगाइए 6000 लाइफ साइकिल डिवाइड बाय 100, तो ये आते हैं 60 ईयर। तो इस हिसाब से ये 60 ईयर चलेगी। ओके ओके ओके, ठीक है। और एक दूसरा सिस्टम है, जैसे कि आपने बाजार में और बैटरीज देखी होगी, उनमें फैन आता है। हाँ जी। हाँ, तो फैन आता है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी घटिया है कि उनको कूल करने के लिए फैन की जरूरत पड़ती है। ओके। दूसरा, अगर किसी भी चीज में आपने देखा होगा, चाहे आपका कंप्यूटर हो जिसमें फैन लगा होगा, तो फैन से पूरी डस्ट अंदर जाएगी। बिल्कुल जी। तो पूरे के पूरे जब आप बैटरी को ओपन करेंगे पूरा डस्ट रहेगा, पूरा गंदा रहेगा। लेकिन ये बैटरी पूरी सील्ड है और नेचुरल कूलिंग के साथ आती है, तो इसमें आपका वो डस्ट वाला पार्ट, फैन वाला पार्ट, क्योंकि देखिए फैन है तो मेंटेनेंस भी होगी, खराब भी हो सकता है धूल मिट्टी से, फिर वो आवाज भी करने लगेगा, जब फैन चलेगा तो आवाज होगी, लेकिन इस बैटरी में कोई आवाज नहीं है, कोई फैन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल कूलिंग इसके अंदर है। अच्छा, बाय चांस 5 साल के बाद कोई इसके अंदर फॉल्ट आता है तो क्या ये रिपेयरेबल है? जी, देखिए बैटरी में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक है आपके सेल्स, दूसरा है आपका BMS। तो सेल में तो आप सोलर की तरह मानिए कि सेल्स में तो कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। okay. जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक वो है BMS। तो BMS में ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो BMS होता है प्लग और प्ले सिस्टम। अच्छा। तो जैसे आपने उससे प्लग निकाला और BMS निकाल लिया, दूसरा रखा और प्लग लगा दिए, तो उसमें कोई भी कांट छांट वायर वाला कोई सिस्टम नहीं होता, तो सीधा आप BMS को रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ BMS ही एक ऐसा पार्ट है जिसकी वारंटी दी जाती है। ठीक है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें, इसका प्राइस? देखिए, कंपनी ने सबसे पहले सेल्कोनिक की एक लौती कंपनी थी जिसने आज से कई साल पहले पावरवॉल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, और आज तक भी कोई दूसरी कंपनी पावरवॉल को इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा थी। अच्छा। लेकिन अब कंपनी ने उसी सेम क्वालिटी में काफी रिसर्च करने के बाद इन बैटरी की कीमत को काफी कम कर दिया है। ठीक है जी। तो वन बाय वन मैं सभी बैटरीज की कीमत को आपको बता देता हूँ। तो जो हमारी रैक माउंटेड 1.0 100 AH 24 वोल्ट बैटरी है, इसकी कीमत है 72,033 रुपए प्लस GST। इससे जो हमारी नेक्स्ट बैटरी है रैक माउंटेड 1.0 48 वोल्ट के अंदर, इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 1,14,405 रुपए प्लस GST। उसके बाद जो हमारी 2.0 मॉडल आ जाता है 100 AH 48 वोल्ट के अंदर, इसका जो प्राइस है 1,16,948 प्लस GST। ये 1.0 से 2.0 लगभग 3,000 रुपए महंगी है, क्योंकि इसमें BMS भी बड़ा लगा हुआ है, इसके लाइफ साइकिल भी ज्यादा हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है प्रीमियम रेंज रैक माउंटेड 2.0 प्लस, इस बैटरी का जो प्राइस है वो है 1,38,134 रुपए प्लस GST, क्योंकि ये 10 साल की वारंटी में और 6000 लाइफ साइकिल के अंदर आती है। उसके बाद आ जाती है पावरवॉल, तो पावरवॉल रैक माउंटेड से थोड़ा महंगी रहती है, जो इसका प्राइस है वो है 1,22,880 प्लस GST। उसके बाद सबसे प्रीमियम रेंज हमारी आ जाती है पावरवॉल 2.0 प्लस, ये 100 AH 48 वोल्ट की बैटरी है, और जो इसका प्राइस है वो है 1,39,829 प्लस GST। जैसे कि हमने एक बैटरी ले ली जी, हमारा लोड ज्यादा है, बैकअप मुझे कम मिल रहा है, तो मुझे और बैकअप चाहिए, तो क्या मुझे बैटरी चेंज करनी पड़ेगी या उसके साथ ही कोई बैटरी जुड़ जाएगी? देखिए, जो 1.0 है वो 16 बैटरी पैरेलल हो सकती हैं। अच्छा जी। 16 बैटरी पैरेलल होने का मतलब है, जैसे हमारा इन्वर्टर है, जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, जब ये कम्युनिकेट करता है तो इन्वर्टर के अंदर लिखा आता है कि 105 एम्पियर तक आप डिस्चार्ज दे सकते हैं। जैसे ही मैं इसके साथ एक और बैटरी लगाऊंगा और इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा, तो इन्वर्टर के अंदर जस्ट डबल डिस्चार्ज आ जाएगा 210 एम्पियर का। अच्छा। तो ऐसे आप 16 बैटरी तक जोड़ सकते हैं।
तो इसके साथ इन्वर्टर भी चेंज करना पड़ेगा अगर बैटरी ज्यादा नहीं, नहीं 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 इन्वर्टर आपको चेंज नहीं करना, वो बैटरी टू बैटरी जुड़ेगी और इन्वर्टर को इन्फॉर्मेशन जाएगी कि अब एक बैटरी नहीं दो बैटरी हैं, तो डिस्चार्ज आप 210 एम्पियर ले सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही तीसरी बैटरी जोड़ूंगा तो डिस्चार्ज आप 315 एम्पियर ले सकते हैं। तो ऐसे ही ये बढ़ती चली जाएगी, लेकिन 1.0 के साथ 1.0 ही जुड़ेगी अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, वैसे तो आप पैरेलल में दोनों के प्लस जोड़िए दोनों के माइनस जोड़िए, ऐसे पैरेलल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप डिफरेंट डिफरेंट बैटरी को भी कर सकते हैं, 1.0 के साथ 2.0 को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम ही उसको जोड़ेंगे जैसे 1.0 के साथ 1.0, तो ये 16 बैटरी आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 2.0 की तो 2.0 यहाँ भी इससे आगे है। अच्छा, तो इसमें जस्ट इसके डबल आप 32 पीसीज को पैरेलल कर सकते हैं। इसके ऊपर ये लिखा गया रैक माउंटेड, इसका क्या मतलब है? रैक माउंटेड का जैसे आपके घर में आपने देखा होगा जैसे आप किताबें रखते हैं उसके लिए रैक बना होता है। अच्छा, तो उसी से ही इसका नाम सजेस्टेड है कि रैक माउंटेड, कि आप एक रैक बनाइए और रैक में जैसे पहली बैटरी दूसरी तीसरी चौथी ऐसे भरते चले जाइए कि एक दूसरे के ऊपर एक ही रैक में इतनी ऊंचाई तक आपकी 10 बैटरी आ गई। हाँ, तो आपकी बिल्कुल थोड़ी सी जगह यूज हुई, तो जहां बैकअप ज्यादा चाहिए वहां हम यूज करते हैं रैक माउंटेड बैटरी, और जहां आपको जगह की सेविंग चाहिए कि हाँ मैं तो अपने घर पे भाई एक पावर वॉल या दो पावर वॉल 10-15-20 किलोवाट तक, तो वहां आप अपनी पावर वॉल लगा सकते हैं। सर आपने एक बात बोली थी कि इसको हम 125 एम्पीयर से डिस्चार्ज कर सकते हैं जी, तो इसको चार्ज फिर कितने एम्पीयर से मैक्सिमम कर सकते हैं जी? देखिए इनको बोला जाता है कि कितने सी से ये चार्ज हो सकती है या कितने सी से डिस्चार्ज हो सकती है। तो अब ये जो बैटरीज हैं ये 1C से चार्ज हो सकती हैं और 1C से ही डिस्चार्ज हो सकती हैं, जबकि 2.0 है वो 1.25 से डिस्चार्ज हो सकती है। अच्छा, इसका सीधा सा हिसाब है कि जैसे ये 100 एम्पियर की बैटरी है, अगर मैं इससे 100 एम्पियर ही निकालूं तो सीधा हो गया 1C इसका डिस्चार्ज, और अगर मैं इसको 100 एम्पियर से ही चार्ज कर दूं यानी कि 5 किलोवाट की बैटरी है और 5 ही किलोवाट से इसको चार्ज मैं करूं तो ये हो गया 1C चार्ज। तो ये 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज दोनों के साथ कंपैटिबल है, और अगर आप इसकी चार्जिंग की फास्टेस्ट चार्जिंग की बात करें तो आप फुल 5 किलोवाट और फुल इसको 105 एम्पियर से बल्कि चार्ज कर सकते हैं, जो एक घंटे से पहले ही ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे वो लेड एसिड बैटरी के ऊपर लिखा जाता है C20, C10, ये जी हाँ 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 जी वही हाँ। जैसे आपकी जितने एएच की बैटरी होती है उसको C20 है, तो C20 से हाँ। उसको 20 से आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो निकल के आता है कि जैसे 15 एम्पियर हाँ। तो 15 एम्पियर से आप उसको मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसी तरीके से ये 1C का मतलब है कि 100 को आप सिर्फ सीधा 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरा 100 ही निकल के आएगा, यानी कि 100 से चार्ज 100 से डिस्चार्ज। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्चार्ज भी करके दिखाऊंगा जो कि कोई भी कंपनी नहीं दिखाती है, और 100 प्लस में आपको इसको डिस्चार्ज करके दिखाऊंगा। देखिए इसकी डिस्प्ले पर आपको सब कुछ दिखाई देता है, जैसे यहाँ है एम्पियर, जब एम्पियर निकलेंगे तो यहाँ पर एम्पियर की रीडिंग बढ़ जाएगी, और यहाँ पर है वोल्टेज, और यहाँ पर है इसकी SOC यानी स्टेट ऑफ चार्ज, 39% पर है अभी। अच्छा जी। और यहाँ पर इसके अंदर जो 15 सेल लगे हुए हैं ये मिनिमम सेल की वोल्टेज, ये मैक्सिमम सेल की वोल्टेज, और यहाँ पर दिखता है इस बैटरी का टेम्परेचर, यानी कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी सिंगल डिस्प्ले पर ही आ जाती है, और आम आदमी इसको समझ भी सकता है ना जी, टेक्निकल की जरूरत हाँ, इसमें कोई मीटर की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है। जब हम मेन्यू का बटन दबाकर अंदर जाते हैं तो आते हैं BMS पैरामीटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वोल्ट, इसके एम्पियर, और नीचे हैं हमारे पास इसके टेम्परेचर, यानी कि इसके अंदर चार टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं चार जोन को डिवाइड करके। अच्छा, तो यहाँ पर यह भी दिखा रहा है 22 डिग्री, 23 डिग्री, तो टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। उसके नीचे आ जाता है सेल की वोल्टेज, जैसे कि इसके अंदर 15 सेल लगे हुए हैं तो सभी सेल की इंडिविजुअल आप वोल्टेज देख सकते हैं, और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं इसके लाइफ साइकिल। ये बैटरी नई है तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लाइफ साइकिल लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप कितनी बार आपने बैटरी को यूज किया है वो आसानी से देख सकते हैं। अब अगर हम पीछे आते हैं और BMS स्टेटस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है अलार्म स्टेटस। तो अलार्म में जैसे ओवर वोल्ट यहाँ पर नो लिखा है, लो वोल्ट नो लिखा है, तो किसी भी तरीके का अगर अलार्म आएगा तो यहाँ पर आगे यस लिखा आ जाएगा,
और साथ में कोई बीप या अलार्म हमें सुनाई देगा? जी हाँ, ये नीचे अगर देख सकते हैं, ये अलार्म की जो लाइट है, ये रेड लाइट है, ये ऑन हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, और BMS कट कर जाएगा और आप जाके देख सकते हैं कि किस वजह से बैटरी का जो BMS है उसने पावर को कट कर दिया। तो यहाँ पर इसमें इंडिकेशन दी गई है SOC, जो कि इस पर इसके अंदर चार LEDs हैं जो हर एक 25% को शो करती हैं, 25, 50, 75 और 100। यानी ये ऐसा काम है कि अगर हमने डिस्प्ले बार बार नहीं देखनी तो दूर से हम देख सकते हैं कि अभी इतनी बैटरी बाकी है। जी हाँ, आपको दूर से ही दिख जाएगा। और वैसे भी जो हमारे इन्वर्टर्स होते हैं उनकी वो वाईफाई से जुड़े हुए होते हैं, तो वैसे भी आप अपनी आपको बैटरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने फोन पर ही एप्लीकेशन के थ्रू उसकी बैटरी की जो हालत है वो पता चल जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर आता है एड्रेस। एड्रेस मेनली होता है जब आप बैटरी को पैरेलल करते हैं तो आपको एड्रेस डायल करना होता है। ठीक है जी। तो यहाँ से जैसे आपने पहली बैटरी का यहाँ से 1 उठा दिया, दूसरी बैटरी का 2 उठा दिया, तो ऐसे आप 32 बैटरीज का कॉम्बिनेशन बना होता है, वो इसके मैनुअल के अंदर है। तीसरा है यहाँ पर RST रीसेट, कि कभी आपको BMS को अगर रीसेट करने की जरूरत पड़ती है तो आप इसके अंदर पिन डालिए और 9 सेकंड तक के लिए होल्ड रखिए, तो ये BMS रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है RS232। 232 जैसे आपके पास एक केबल होती है 232 की, वो अपने लैपटॉप में आप लगा सकते हैं, और BMS का एक सॉफ्टवेयर होता है तो इसकी पूरी रीडिंग आप उसके थ्रू ले सकते हैं कि कैसे ये बैटरी इतने साल चली, उसकी हर एक दिन की डिटेल आ जाएगी। ये तो आपके काम का ही है ना, जो सिर्फ आपके पास ही होगा ये तो सॉफ्टवेयर। जी, ये कंपनी की वारंटी वारंटी का पता बाद में चल जाता है, वो कंपनी के पास रहता है। अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें पूरा उसका डिटेल रिकॉर्ड होती रहती है। सही है। दूसरा आगे आ जाता है कैम पोर्ट। ये पोर्ट होता है कम्युनिकेशन के लिए, जो इन्वर्टर और बैटरी के आपस में कम्युनिकेशन के काम आता है। उससे आगे ये पोर्ट होते हैं RS485A और B। जब हम बैटरी को पैरेलल करते हैं तब ये पोर्ट काम आते हैं, एक से एक में लीड लगाकर दूसरे में हम दूसरी बैटरी के RS232B में लगा देते हैं, तो ऐसे ये आगे चलती रहती है और बैटरी आपस में कम्युनिकेट कर जाती हैं। इधर कंपनी की बैजिंग आ जाती है और ऊपर आपको मिलते हैं 2 रेड के टर्मिनल और 2 ये ब्लैक टर्मिनल, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। यहाँ से आप एक इन्वर्टर में लगा सकते हैं और दूसरा बैटरी को आपस में जोड़ने के काम आता है, जिससे कि आप बैटरीज को पैरेलल कर सकते हैं। अब आप ये है हमारी पावर वॉल, इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं 92% है। ये देखिए, और अगर आप इन्वर्टर की स्क्रीन पर देखें तो यहाँ भी ये रहा बैटरी का आइकन 92%, और अगर BMS में जाता हूँ तो इसकी पूरी की पूरी रीडिंग आ रही है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्चार्ज करंट लिमिट 125 एम्पियर, क्योंकि 125 एम्पियर का इसके अंदर BMS लगा हुआ है। तो बिना कम्युनिकेशन के क्या दिक्कत होती है? अब देखिए, पता है 92% है, यहाँ भी 92% है, इन्वर्टर को बैटरी के बारे में सब पता है। अब देखिए, मैं कैन पोर्ट से जो इसकी केबल है उसको निकाल देता हूँ। ठीक है। तो अब इन्वर्टर के पास इन्फॉर्मेशन जानी बंद हो जाएगी। अब देखिएगा, ये देखिए पूरा ब्लैंक हो गया है। अब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो यहाँ परसेंटेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो 96 थी वो बंद हो जाएगी है। हाँ, जा बदल जाएगी। ये देखिए, बैटरी है 92, एक मिनट है, और इन्वर्टर शो कर रहा है 96। वो मनमर्जी करेगा अपनी। हाँ, अब आप कैसे करेंगे कि कितने पे शटडाउन करना है? अब आपने बोल दिया कि 20% पर शटडाउन करना है, लेकिन इन्वर्टर को तो मालूम ही नहीं है कि बैटरी 20 है, 60 है, क्या है, तो वो पूरा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। और ऐसे ही जो अदर ब्रांड है वो कर रहे हैं और कस्टमर को नॉलेज नहीं है। तो बैटरी वो खरीदिए जो कम्युनिकेट करे आपके इन्वर्टर के साथ। तो जैसे ही मैं इस केबल को दोबारा यहां पर लगाता हूं तो आप देखिएगा यहां पर दोबारा रीडिंग आ गई। हाँ जी, पूरी डिटेल आ चुकी है ना। हाँ, पूरी डिटेल आ चुकी है, और देखिएगा परसेंटेज भी सेम आ गई होगी, 92%। हाँ जी, 92 आ चुकी। हाँ, तो इन्वर्टर को फिर से पता चल गया, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम करते हैं इस बैटरी को डिस्चार्ज। ठीक है। जैसा कि कंपनी दावा करती है कि 1C से भी ज्यादा ये डिस्चार्ज देती है, यानी कि 100 एम्पियर से भी ज्यादा डिस्चार्ज देती है, तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिकल। जिस तरह से सेलक्रॉन की ये बैटरी है उसी तरह से सेलक्रॉन का ये इन्वर्टर है जी। जी, इसमें पूरी डिटेल आ रही है, तो किसी भी और कंपनी का इन्वर्टर उसके ऊपर भी ये डिटेल इसी तरह से आएगी जी। अगर कोई भी आप ब्रांडेड इन्वर्टर लेंगे, मैंने बताया कि जर्मन का हो, फ्रेंच हो,
चाइनीज हो, कोई भी ब्रांडेड कंपनी अगर इन्वर्टर है तो उसके ऊपर पूरी डिटेल आएगी। ठीक है। देखिए अभी हमने डिस्चार्ज स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए बैटरी से अभी 110 एम्पियर निकल रहे हैं, माइनस आ गया है ये। हाँ जी देखिए माइनस 110 एम्पियर, और अगर स्क्रीन पर भी देखें आप, बैटरी से 5.5 किलोवाट का लोड निकल रहा है, ये देखिए 5.43 किलोवाट का लोड बैटरी से अभी निकल रहा है। अगर अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 5441 का, यानी कि 5443 वाट का लोड यहाँ पर निकल रहा है। और अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मीटर भी लगा देता हूँ। 110 एम्पीयर के आसपास लोड ये इसमें से निकल रहा है। अब देखिए 5 किलोवाट की बैटरी आपके सामने 5.5 किलोवाट का लोड डिलीवर कर रही है, यानी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, यानी कि 1C से भी ज्यादा। तो जो कंपनी दावा करती है वो बिल्कुल सच्चा दावा है, क्योंकि देखिए मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, ब्रांड ब्रांड होता है, क्वालिटी क्वालिटी होती है। आपकी मेहनत की कमाई है तो उसको ब्रांड पर लगाइए, सस्ती चीजों के चक्कर में फंसकर अपनी मेहनत की कमाई को मत डुबाइए। इसके साथ मैं एक चीज और देख रहा हूँ, यहाँ पर MCB लगाया गया है जी, 125 एम्पीयर का। हाँ तो 125 एम्पीयर का इसके अंदर BMS है, तो 125 एम्पीयर की ही जो है वो MCB दी गई है। ठीक है जी। अगर उससे किसी हालत में डिस्चार्ज ज्यादा होता है तो ये MCB ट्रिप हो जाएगी। ओके, ओके, ओके। ठीक है। और वैसे भी आप इसको काट भी सकते हैं, यानी कि आपको कोई DC ब्रेकर की जरूरत नहीं है। हाँ, सही है, सही। तो सर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और उसने ये बैटरी लेनी है, खरीदनी है, तो वो कैसे खरीदेगा, कोई वेबसाइट या ऑनलाइन, किस तरह से? देखिए बैटरी खरीदने के या हमारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन खरीदने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com पर जा सकते हैं, वहां से आप आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप हमारी सेलक्रोनिक की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप आसानी से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसको खरीद सकते हैं। अब अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से सेलक्रोनिक के किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन के ऊपर नंबर डिस्प्ले हो रहा है वहां पर आप जाकर विजिट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ज्यादा जानकारी ले सकते हो। आज की दोस्तों हमारी वीडियो इतनी ही थी, देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।